हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, एसएससी सीजीएल टीयर वन का रिजल्ट आ गया है, जिसमें इन्होंने कट ऑफ बता दी है। और कट ऑफ इस बार पहले से काफ़ी हाई गई है। पहले आपको पता है जो जनरल की कट ऑफ थी लगभग 114 गई थी लास्ट ईयर, और इस बार लगभग 150 के अप्रोक्स है। अभी दिखा भी दूंगा आपको। सो आप जिसने भी चेक नहीं किया है कर लेना, और आपने तो अभी तक चेक कर लिया होगा अगर ये वीडियो देख रहे हो। तो इसमें बात करेंगे कि क्या दोबारा रिजल्ट आएगा। जो आपकी पीडीएफ लिस्ट आई है रोल नंबर का, लगभग 71,000 के अप्रोक्स कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। और वैकेंसी आपको पता है कि इस बार लगभग 8500 है अभी तक जो रिपोर्ट की गई है। तो अगर इससे कंपेयर करें तो लगभग 9 गुना स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया है। लेकिन एसएससी में मिनिमम जो है, पहले अगर पिछले साल की बात करें तो 10 गुना को कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया था। तो अगर इसमें भी 10 गुना को कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता तो लगभग ये 85,000 स्टूडेंट को सेलेक्ट करते, लेकिन इस बार 71,000 यानी कि 71,000 को ही सेलेक्ट किया गया है। तो क्या रिजल्ट दोबारा आएगा, क्या पॉसिबिलिटी है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिस्ट आई थी जिसमें इन्होंने कट ऑफ बताया था, और जो मेन कट ऑफ था वो लिस्ट नंबर आपका 4 का था। और यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ आपको एक बार। और ये कट ऑफ गई थी, देख सकते हो, एससी की 126, एसटी की 118, ओबीसी की 145, ईडब्ल्यूएस की 143 और जनरल की 150 नंबर। तो इस बार 150 गई है, और पिछली बार यही 115 यानी कि 115 गई थी। तो पिछली बार तो 36,000 वैकेंसी थी, तो 10 गुना यानी कि 3,60,000 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया था। लेकिन इस बार लगभग 8500 वैकेंसी है जो अभी रिपोर्ट की गई है। जब फॉर्म आया था नोटिफिकेशन, तो उसमें लगभग 7500 ही वैकेंसी थी, लेकिन अब इंक्रीज़ होकर 8500 के आसपास चली गई है। तो अगर 7500 से भी कंपेयर करें 10 गुना, तो इन्हें 75,000 सेलेक्ट करने चाहिए थे। और इससे करें जो अभी वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, तो लगभग 85,000 को तो मिनिमम करना ही चाहिए। लेकिन इन्होंने लगभग 8.5 से 9 गुना ही कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है, और ये धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। पहले क्या होता था, 15 गुना सेलेक्ट करते थे, फिर 10 गुना हुआ, और कम कर रहे हैं, और ये धीरे धीरे करते जाएंगे। लेकिन इसका बेनिफिट कुछ नहीं हो रहा है। आपको पता है पिछले साल भी जो वैकेंसी 36,000 आई थी, ये क्या पूरी सीट फिल हो गई थी? नहीं, क्योंकि वेटिंग लिस्ट है ही नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट जो लोअर पोस्ट होती है उसे क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये वैकेंसी वैकेंट रह गई थी। इस बार भी ऐसा ही होगा। अगर इन्होंने 9 गुना सेलेक्ट किया है, तो सारे बच्चे थोड़ी ना ज्वाइन करते हैं। कोई पहले से ही उसी पोस्ट पे वर्किंग है, तो वो सोचता है कि हाई पोस्ट मुझे चाहिए, इसलिए फॉर्म को फिल कर देता है। अगर उसे वही पोस्ट मिली तो वो क्या ज्वाइन करेगा? नहीं करता है। फिर वो सीट क्या होगी? वैकेंट होती है। और एसएससी में ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि ये वेटिंग लिस्ट देते ही नहीं है, ठीक है। अब हो सकता है ये देने लगे, एक नोटिफिकेशन भी आया था, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। लेकिन जो ये 9 गुना कैंडिडेट को लिया है, ये काफ़ी गलत है। मिनिमम 10 गुना तो लेना ही चाहिए। और अभी ये वैकेंसी 8500 है, और पिछली वैकेंसी भी वैकेंट है 2022 की, तो वो भी ऐड होगी, तो और ज़्यादा इस मतलब वैकेंसी हो जाएगी है। लगभग 12 से 13 हज़ार वैकेंसी आएगी। तो इन्हें कम से कम 12 से 15 गुना स्टूडेंट को सेलेक्ट करना ही चाहिए, ठीक है, तो ये वैकेंसी पूरी हो जाएगी। लेकिन ये नहीं हो रहा। अब बात करते हैं क्या रिजल्ट रिवाइज्ड होगा, कट ऑफ दोबारा आएगा। तो इसका मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि एसएससी कुछ भी रिवाइज नहीं करती है। इससे पहले एज रैंकिंग का इशू था, इतना प्रोटेस्ट हुआ, टीचर ने भी प्रोटेस्ट किया, स्टूडेंट ने भी ट्यूटर वगैरह पे, लेकिन इन पे असर पड़ेगा ही नहीं। ये अपना ही रूल फॉलो करते हैं, और इस समय एसएससी बहुत स्ट्रिक्ट है, और ये अपना जो रिजल्ट वगैरह है टाइम से निकाल लिए है, तो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह चला रही है। लेकिन इन्हें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 9 गुना ही लिया है, कम से कम 10 तो लेना ही चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि रिवाइज करेंगे। अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी, स्टूडेंट का बेनिफिट होगा, ठीक है। एक उन्हें मौका मिल जाएगा मेंस का एग्ज़ाम देने में, ठीक है। बाकी कोई भी अपडेट होगा तो मैं बताऊँगा। और जो स्कोर कार्ड है वो आप देख पाओगे, जल्दी ही स्कोर कार्ड भी अवेलेबल करा देंगे, जिसमें आप अपना रो स्कोर, नॉर्मलाइज स्कोर देख पाओगे, और जो सब्जेक्ट वाइज आपके मार्क्स हैं वो भी देख पाओगे। सो जब भी कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस।